नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। मोतिहारी में पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र मधुबनी घाट गांव में राजेंद्र सहनी के घर रात्रि के समय अज्ञात अपराधियों द्वारा घर में घुसकर फायरिंग करते हुए घर के बाहर बम फोड़ उनके परिवार के महिलाओं एवं पुरुषों के साथ मारपीट करते हुए उनके परिवार के एक शख्स की हत्या कर दी गई, साथ ही चार लोग घायल भी हो गए। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही मुफस्सिल थाना ने विस्फोट अधिनियम मामला दर्ज करते हुए घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कांड का उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। गठित टीम द्वारा तकनीकी एवं अन्य स्रोतों से सूचना संकलन कर अपराधियों की पहचान करते हुए जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए घटना में शामिल चार अपराधी हरिओम सहनी, गेना सहनी, मुंटन सैनी, उमाशंकर सैनी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, दो गोली, 9-12 बोर का देसी बंदूक, 12 बोर की गोली, 5 बरामद की गई है। गांव में राजेंद्र सैनी के घर पे कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की गई थी और हमला किया गया था, जिसमें उनके एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी और राजेंद्र सैनी छत से कूदने के कारण घायल हुए थे। इसके उपरांत इसमें प्राथमिकी दर्ज करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसमें SDPO सदर, DSP प्रोबेशनर्स और थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल के लोग थे। उनके द्वारा अनुसंधान में आगे कार्रवाई करते हुए चार अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। हरिओम सहनी, गेना सहनी, मुंटुन सहनी और उमाशंकर सहनी, ये सभी पिपरा, चिरैया और चकिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ये अपराधकर्मी इनके निशानदेही पे अपराध में प्रयुक्त एक देसी बंदूक 12 बोर का और उसकी 5 गोलियां, साथ ही 2 देसी कट्टा और 9 गोलियां बरामद की गई हैं। इस अपराध में 9 अपराधकर्मी शामिल थे, जिसमें से जो मास्टरमाइंड है अभी नहीं पकड़ा जा सका है। साथ ही अपराध करने का कारण था कि अपराधियों को किसी ने बताया था कि राजेंद्र सहनी जी के घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जिसको लूटपाट करके ले जाने की इन लोगों की योजना थी। ये डकैती का मामला है सर? हाँ, डकैती का ये प्रयास था। डकैती करने ये लोग गए थे, लूटपाट करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन लूटपाट तो नहीं कर पाए, लेकिन फायरिंग के दौरान एक जो उनके रिश्तेदार थे उनकी मृत्यु हो गई थी। बदमाश के लिए हम लोगों को सूचना मिली है कि एक अपराधकर्मी भी जख्मी हुआ था, अभी वो पूरी तरीके से उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharstate.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpan।